आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बोन्स को कॉन्स्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक आर्मेचर ले लूँगा, शिफ्ट ए दबा के यहाँ पर मैं उसे एडिट कर लूँगा, एक्सट्रूड कर लूँगा, और अब मैं जाऊँगा पोज मोड में। कंट्रोल पी दबा के आप जा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी एनिमेशन करना हो या बनाना हो तो आपको हर एक बोन को सिलेक्ट करके एनिमेशन देना पड़ता है, लोकेशन रोटेशन देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सर्कुलर देना पड़ा तो ऐसा करना होगा। तो यहाँ पर हम दो बोन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं शिफ्ट कंट्रोल सी दबाऊंगा तो यहाँ पर मुझे डंप ट्रैक दिखेगा ऑप्शन, और यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट के ऑप्शन में जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दो बोन सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर डंप कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के मैं डंप ट्रैक कर लूँगा, और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा मोशन हो रहा है अपने आप। तो यहाँ पर मैं बोन सेलेक्ट करके इसको जो इन्फ्लुएंसर है उसे 0.7 कर दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो ये बराबर मूव कर रहा है। एडिट मोड में जाके बोन्स को बढ़ा दूंगा, एक्सट्रूड कर लूँगा। एक्स्ट्रा बोन्स एडिट करने के बाद में मैं यहाँ पर तीन बोन्स को और डम्प ट्रैक कर दूंगा। तो यहाँ पर हर बोन्स की जो इन्फ्लुएंस है 0.7 करने के बाद में अगर मैं इसे रोटेट करूँ या हाँ, तो ये इस तरीके से एनिमेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ की फ्रेम दे दूँ बोन्स को रोटेशन के हिसाब से तो एक एनिमेशन बनेगा सिंपल सा। ओके, तो ये रहा हमारा एनिमेशन। और हमें सभी बोन को अपने हिसाब से, हर बोन को रोटेशन और लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल टाइम में अगर सिंगल बोन को आप रोटेट करो तो अपने आप हो जाएगा। एडिट मोड में जाने के बाद मैं एक मैश ले लूँगा, और ऑब्जेक्ट मोड में एक मैश लेने के बाद में मैं एडिट मोड में उसे एडिट कर लूँगा। यहाँ पर मैं एडिट करने के बाद में अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हो, बॉडी बॉडी हो या आप मेटा ह्यूमन का जो भी बोन आर्मेचर होता है आप उसमें भी ये सब कर सकते हो। यहाँ पर मैं डबल से एक बोन ले लूँगा। आर्मेचर सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिट मोड में जाऊँगा और इस बोन को लोकेशन अपनी दे दूँगा। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से सेट कर दूँगा सभी बोन्स को एक मैश के हिसाब से। यहाँ पर मैं जैसी अपने हिसाब से कर दूंगा, यहाँ पर मैं एक पेरेंट कर लूँगा, जो हमारा मैश है उसे बोन से पेरेंट कर दूंगा। कंट्रोल पी दबा के ऑटोमेटिक वेट दे दिया मैंने। तो यहाँ पर मैं जब भी किसी बोन को मूव करूँगा तो हमारा मैश भी मूव करेगा। तो यहाँ पर मैं ड्रम ट्रैक कर दूंगा और सभी बोन्स को मैं कर दूंगा इस तरीके से सिलेक्ट करके। आपको पहला बोन और दूसरा बोन जिसे आपको डंप ट्रैक करना है उसे करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं सभी डंप ट्रैक को अपना हिसाब से इन्फ्लुएंस जो भी है यहाँ पे 1.1.0 का है तो यहाँ पर 0.7 करके देखता हूँ सभी बोन्स में। ओके, तो जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो ओके, आप देख सकते हो ये ज़्यादा ही मूव हो जा रहा है अपनी जगह से। तो मैं डबल से करके देखूँगा, इनका इन्फ्लुएंस कम करके देखता हूँ 0.7 की जगह। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये डबल डबल यूज़ करके रखा हुआ है तो मैं हटा दूंगा। जैसे ही मैंने इन्फ्लुएंस को 0.7 करा, सभी बोन्स के इन्फ्लुएंस को कम कर दिया, तो देखिए हमारा एनिमेशन जो है बहुत ही स्मूथ हो चुका है। अब मैं सभी जो भी हमारा मेन बोन है उसे मैं की फ्रेमिंग कर दूंगा अपने अकॉर्डिंगली। आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी उसे एनिमेशन दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जैसी देखी कितने स्मूथली वर्क कर रहा है। तो बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें ज़्यादा इससे मेहनत नहीं करनी पड़ती है और एनिमेशन बहुत ही स्मूथ भी हो जाता है। तो जैसे ही मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये जैसे मैं अभी डुप्लीकेट कर दूंगा यहाँ पर, तो शिफ्ट डी दबा के आप इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हो, और आप इसे बहुत सी जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको स्टिक बनाना है या थ्रेड बनाना है या फिर आपको व्हीकल में यूज़ होता है ये ज़्यादातर सस्पेंशन के टाइम पे, तो कांस्टेंट बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है। यहाँ पर वैसे मैंने हमारे जो मैश है उसे मटेरियल दे दिया है, इमिशन मटेरियल, और मैं यहाँ पर थोड़ा एडिट करने के बाद में आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। जैसे ही मैं शेडर में जाके इसे एडिट कर दूंगा, प्लीज़ हमारे वीडियोस को चेकआउट करिए, हमारे चैनल को चेकआउट करिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मैंने सभी मैशेस को डबल से डुप्लीकेट कर दिया है, और यहाँ पर मैं जैसे प्ले करता हूँ तो देखिए हमारा एनिमेशन कितना स्मूथ हो चुका है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और डू सब्सक्राइब आवर चैनल.